नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं शेफ़ राजेश फ्रॉम देसी शेफ लिटिल किचन से। दोस्तों, जैसे कि आप सामग्री देख ही रहे हैं, आज मैं बनाने जा रहा हूँ ये दालों के साथ में चावल मिला के उत्पम या डोसे का बैटर या ऑल पर्पस मल्टीपर्पस बैटर, जिसे हम इसमें बड़े भी बना सकते हैं और भल्ले भी बना सकते हैं। परंतु आज मैं इससे दो ही चीज़ें बनाऊँगा, डोसा उत्पम, और अगर सामान बचा तो मैं आपको उसके बड़े बना के भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैंने ली है ये चने की दाल, मूंग की दाल, मूंग टुकड़ा, उड़द टुकड़ा, मसूर की दाल, और मैंने लिए हैं चावल, साथ में करी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च ली है, और हींग तो जाएगी जाएगी, और बाकी मसाले भी इसमें जाएंगे। तो इनको पहले मैं दालों को अच्छे से भी धो के, इनको मैं भिगो के इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैं सोक कर दूंगा। तो बस मैं इन सबको अच्छे से धो के सोक करके मिलता हूँ। बस मैं यूं गया और यूं आया। लीजिए दोस्तों, ये दाल को मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया है, और इसको मैं कम से कम 2 घंटे अच्छे से भिगो दूंगा ताकि ये ठीक से फूल जाए, और जब मैं इसका बैटर बनाऊँ तो ये आराम से बन जाए। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे, बस यूं गया और यूं आया। तो लीजिए दोस्तों, मेरी दाल को अच्छे से भीगे, सारी दालों को और चावल को। और हाँ दोस्तों, इसमें मैंने उड़द की धुली दाल भी डाली है। सबकी मात्रा एक समान ही है, सिर्फ इसमें चावल की मात्रा दुगनी थी, यानी कि बाकी सब दालें अगर आधा आधा कटोरी थी तो चावल की मात्रा एक पूरी कटोरी थी। और चावल मैंने बासमती ना लेके चावल टुकड़े वाला लिया मैंने। तो आपके पास जो भी हो आप उसी से बना सकते हैं। और ये देखिए, अच्छे से मेरी दाल फूल गई है, और बस अब इसको मैं मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगा। बस मैं आपसे मिलता हूँ इसको पीस के। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। हाँ दोस्तों, जब आप हम मिक्सी में इसको पीस रहे हैं तो हमने ध्यान से पल्स मोड पे थोड़ा थोड़ा करके पीसना है, और उसके अंदर में ये जो पानी है इसको निथार देना है ताकि ज़्यादा ना हो। बाद में हमारे को जो पानी मिलाना होगा उसकी बैटर की कंसिस्टेंसी के लिए अकॉर्डिंगली हम उस समय मिला लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बड़े बना रहे हैं तो हमारे को उसमें पानी की मात्रा कम चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार इसको अच्छे से कम पानी के साथ में अच्छे से पीस लें ग्राइंडर के अंदर में, मिक्सी में, और उसके बाद में जो जो इसके साथ बनाना उसके हिसाब से हम इसको सेग्रीगेट कर लेंगे। तो बस मैं मिलता हूँ इसको पीस के। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, ये दाल को मैंने छलनी में डाल दिया है, और एक्स्ट्रा पानी जो है इसको मैंने इसमें से निकल जाएगा, और जो बाकी बचा है वो भी इसी में छन जाएगा। और अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर में पीस लूँगा। बस ये ध्यान रखना है कि हमें चलाते चलाते ही पीसना है, ताकि कम पानी के अंदर में पानी ना ही डालना पड़े तो बहुत अच्छा है, परंतु अच्छा पेस्ट बन जाए। तो बस इसी तरह पल्स मोड के अंदर में और रेगुलर में घुमाते हुए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, ताकि मिक्सी की मोटर गर्म भी ना हो और काम भी हो जाए। जब मैं मिक्सी में इसको पीसूंगा तो मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च साथ ही में ला लूँगा, और डालूंगा थोड़ा सा नमक और हींग। वो भी कितनी डालनी है वो तो जब पीसने के बाद में, नमक और हींग तो बाद में मिलाना है, वो मैं आपको उस समय उसकी मात्रा को दिखाते हुए आपके साथ में शेयर करूँगा। परंतु सबसे बड़ी बात, हमारे पास जो सामान है उसकी मात्रा के अनुसार ही हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है, और हींग भी हमने स्वाद, सेहत और फ्लेवर के लिए डालनी है। तो बस बने रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ इन सबको पीस के। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, ये अदरक हरी मिर्च मैंने डाल दिया है, और ये दाल भी मैं अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके पीस लूँगा, ताकि एक अच्छा पेस्ट बन जाए। और एक साथ मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने से नेचुरल मिक्सी और मोटर पे तो लोड पड़ेगा ही, और जैसा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वैसा रिज़ल्ट आएगा नहीं। देखिए, अभी ये मेरा बैटर बहुत अच्छे से पिस गया है, और मैंने इसमें ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 चम्मच ही पानी डाला, और धीरे धीरे पल्स मोड और रेगुलर मोड पर मिलाते हुए इसको मैंने अच्छे से महीन पीस लिया है। तो बस अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा, और उसके बाद में इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगा। तो बस मिलता हूँ इसको रेस्ट करा के। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। देखिए,
कैसा शानदार एकदम रिवन टेक्सचर के अंदर में ये मेरा मिक्सचर पिसा है। बस इसकी कंसिस्टेंसी अकॉर्डिंगली जो जो मैं सामान बनाऊंगा उसके हिसाब से मैं इसको सेट कर लूँगा। डोसे के लिए अगर मेरे को इसको थोड़ा सा थिन करना पड़ा तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगा, और अगर बड़े बनाने हैं तो इसको बड़े की शेप रिटेन करने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा बेसन ऐड कर दूंगा, अगर ये मेरे को उसकी शेप मेंटेन करता हुआ नहीं नज़र आया तो। बस अब इसको मैं रेस्ट करने के बाद में आपसे मिलता हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों, ये जो मेरा दालों का डोसे का जो बैटर है ये मेरा अच्छे से पिस तो गया ही है, इसने रेस्ट भी कर लिया है। अब इसको मैं हल्के हाथ से क्लॉकवाइज एक ही तरफ को मैं इसको बीट करूँगा ताकि इसकी फ्लफ़ी तो हो ही जाए, लाइट भी हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर जब तक चेंज हो जाएगा, और जब ये इसको बनाने का टाइम आएगा तो उस समय कम या ज़्यादा यानी मोटा या पतला कितना रखना है ताकि इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी सही रहे उस हिसाब से मैं इसको सेट कर लूँगा। और ये तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ अब मैं तैयारी कर रहा हूँ ये मल्टीग्रेन दालों के डोसे की स्टफिंग की। तो इसके लिए लिया है मैंने पनीर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च। प्याज मैं एक और लूँगा क्योंकि इसके अंदर में प्याज बहुत अच्छा लगता है, और मेरे बाकी मसाले तो जाएंगे जाएंगे, और साथ में जाएगा करी पत्ता और सरसों। तो बस इन सब को लेके मैं इनको झटपट काट के तैयार करके आपसे मिलता हूँ। मीन टाइम मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है इस पनीर की स्टफिंग को तड़का मारने के लिए। इसके लिए लिया है मैंने सरसों का तेल, ये कम से कम भी मेरा सरसों का तेल 3 टेबलस्पून के लगभग है, और ये जितनी भी सामग्री मैंने ली है ये सिर्फ 3 से 4 लोगों के लिए है। तो मात्रा कम या ज़्यादा आप अपने परिवार के हिसाब से आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके परिवार के अंदर में कितने नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स हैं और उनकी एपेटाइट कैसी है। तो बस मैं ये सब कुछ तैयार करके झटपट आपसे मिलता हूँ। बस मैं यूँ गया और यूँ आया, बस इनको काट के मैं मिलता हूँ आपसे। तो लीजिए दोस्तों, सरसों का तेल है इसलिए इसको मैंने इसका उसको स्मोक किया है यानी कि इसका धुआं निकाल दिया है ताकि इसकी हीट निकल जाए, और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपनी स्टफिंग पनीर की। तो बस ये लीजिए, शुरू हुआ मैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा नमक नेचुरली, उसके बाद जाएगा झटपट जीरा, और साथ ही जाएगा मेरा ये 2 लाल मिर्च साबुत और करी पत्ता, देखिए नाम पूछ रही है मेरा, और ये गए मेरे थोड़े से काजू, आपके पास है तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं, और साथ में गई मेरी ये सरसों 1/2 चम्मच के लगभग, बहुत अच्छा स्वाद आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है इसका। और ये देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इनको झटपट थोड़ा सा भूनना है। और अब पहले जाएगा मेरा इसमें ये मेरा प्याज, ये प्याज गया, और इसको मैंने लाल नहीं करना, बस हल्का सा गुलाबी करना, ये देखिए बस। बाकी थोड़ा सा जो नमक डाला है वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, ये देखिए बस इसको झटपट थोड़ा सा गुलाबी करना है, और फिर उसके बाद में अदरक हरी मिर्च। हाँ, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी स्टेज पे आके मैं डाल दूंगा ये 1/2 टीस्पून के लगभग हींग डाल दूंगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पाचन शक्ति तो बढ़ाते ही बढ़ाता है और स्वाद को भी बढ़ाता है, मेरे को बहुत पसंद है। देखिए बस ये देखिए प्याज भी हल्का गुलाबी हो गया, फर्स्ट क्लास। और अब मैं इसके अंदर में डाल दूंगा अपने अदरक हरी मिर्च और प्याज, सॉरी प्याज तो मैं डाल ही चुका हूँ, बस अदरक हरी मिर्च डालूँगा, और डाल दूँगा ये मैं अपना शिमला मिर्च और टमाटर, शिमला मिर्च और टमाटर इसके अंदर में, और इसको भी हमने ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा पनीर को भी हमने ज़्यादा नहीं पकाना, पनीर में वैसे कच्चा तो कुछ होता ही नहीं है। तो बस इन दोनों को अच्छे से मिला के मैं
इसमें डालूँगा बाकी के मसाले। ये गई मेरी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर, और कुछ नहीं रैंडम वैसे मिला लेना। कम से कम इन मसालों का फ्लेवर और ये सब आपस में थोड़ा सा घुल मिल जाए, बस उतना ही हमें वेट करना है, ज़्यादा नहीं वेट करना है। लीजिए दोस्तों, ये मेरा देसी मसाला प्याज टमाटर अदरक हरी मिर्च के साथ में तैयार हो गया है, और अब इसमें डालेगा ये मेरा सारा का सारा पनीर। आपके पास पनीर ना हो तो आप आलू से भी बना सकते हैं। तो बस मैं आप ये सारा का सारा पनीर अब इसमें चला जाएगा, ये देखिए, और अब इसको मिलाना है और ये डन। और देखिए पनीर डलते ही ऐसा लगता है ना चांद सितारे खिल उठे हों, रंग बिरंगे कैसा रूप निखर गया आपस में। मैंने इसको पनीर को मैश नहीं किया है, मैंने इसको बहुत ही फाइन डाइस कर दिया है ताकि इसका जब मुंह में चंक आए चाहे छोटा सा ही हो तो वो बहुत स्वाद लगे। तो बस इसको बस एक बार हल्का सा भुनाव देना है, और ये मेरी स्टफिंग भी तैयार। नारियल की चटनी तो मैंने बनाई हुई है, उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मैं किस तरीके से नारियल की चटनी बनाता हूँ वो भी आप ज़रूर देखिएगा। साउथ इंडियन बने, डोसे बने, नारियल की चटनी ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो नारियल की चटनी तो बनी हुई है, साथ में डोसे का बेहतर भी तैयार है अब, और अब ये मेरा मिक्सचर भी तैयार है। बस ये ध्यान रखना है इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो ये जो पनीर जो है ना ये रबड़ जैसा हो जाएगा। और बस फिनिशिंग देनी है हमने किससे, धनिए से अच्छे से धो के। तो लीजिए ये मेरी स्टफिंग तैयार, और इसमें जाने के लिए ये धनिया भी तैयार। तो बस अब इसको मिला के इसको रख देना है, और तैयार करता हूँ। बस अब मैं डोसे की तैयारी करता हूँ तवा चढ़ा के। बस ये देखिए फर्स्ट क्लास कितना शानदार बना है ये मेरा स्टफिंग पनीर का। आलू का भी बना सकते हैं आप, सोयाबीन का बना सकते हैं, नॉन वेज खाते हैं तो आप नॉन वेज का भी बना सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे डोसे बना के, जो मैंने दालों से बनाया है जिसका बैटर मल्टीग्रेन, और बहुत ही शानदार बनेंगे ये मेरी गारंटी है। तो बस मिलता हूँ, बस यूँ गया और यूँ आया। तो लीजिए दोस्तों ये मेरी चटनी तैयार, ये मेरी पनीर की स्टफिंग तैयार, और ये मैंने थोड़ी सी राइस पायसम भी बना ली थी खजूर डाल के। तो इसकी रेसिपी फिर किसी दिन, और साथ ही साथ ही मेरा अब बैटर भी तैयार, और अब मेरा तवा भी तैयार। तो तवे को मैं फुल हीट पे रख दूंगा, और अब मैं डोसे बनाने शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों डोसे की पोरिंग कंसिस्टेंसी देखिए आप, बीच में से कहीं से भी जब मैं पोर कर रहा हूँ तो ये इसकी तार टूट नहीं रही है जब तक कि इसका लास्ट ना आ जाए। तो एक तो ये पोरिंग कंसिस्टेंसी है, और क्योंकि इसमें मल्टीग्रेन्स हैं सारी दालें हैं, तो हमारे को इसके मॉइस्चर का और इसके हर एक चीज़ के बैलेंस का भी ध्यान रखना है ताकि ये जब हम इसको बनाएं तो ये कटाफटा ना बने। तो बस ये इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब ये तवे के ऊपर मैं बारी बारी ये मल्टीग्रेन डोसे मैं बनाने जा रहा हूँ। ये देखिए तवा एकदम गर्म, एक बार अच्छे से किचन टॉवल से या किसी साफ कपड़े से इसको साफ़ कर लेना, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बैटर लेते हुए जितना कि हम इस पर रोल कर सके तवे के साइज़ के हिसाब से। और ये लीजिए ये गया, और देखिए बिल्कुल ढीले हाथ से हम इसको रोल करते चले जाएंगे। और बस आँच तेज, बिल्कुल तेज रखनी है, हल्की नहीं करनी है। और देखिए झटपट ही इसका मॉइस्चर एवोपरेट हो जाएगा, और जैसे ही थोड़ा सा एवोपरेट होता है हमने इसको हल्की सी ऑयलिंग करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि ये इसकी सियरिंग भी हो सके और ये थोड़ा सा अच्छे से पक भी जाए और थोड़ा ग्लेज भी आ जाए और टेस्ट भी बढ़ जाए। ये देखिए
डोसे का बैटर, और डोसे को क्रिस्प करने के लिए इसके अंदर में चावल या चावल का आटा मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा वो जरूर मिलाइएगा, डोसा जो है ना बहुत ही करारा निकलेगा। ये देखिए एकदम करारा, ये देखिए कैसे रोल हुआ ना, फर्स्ट क्लास। और ये देखिए एकदम मस्त। मैं बाकी भी डोसे आपके साथ बनाता जाता हूँ और शेयर करता जाता हूँ, तो आप भी बनाइए और बताइए आपने बनाए मल्टीग्रेन डोसे तो कैसे बने। हाँ छोटा सा टिप और कि ये देखिए डोसे और चीले में क्या फ़र्क है, कोई बोलेगा दाल का चीला ही तो है, नहीं, क्योंकि ये देखिए इसकी लेयरिंग और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो देखिए। और सबसे बड़ी बात, जो चीला होता है वो थोड़ा मोटा होता है ना, वो उत्पम से थोड़ा कम और डोसे से थोड़ा ज़्यादा। तो इस तरीके से ये इसकी जो रोटी है या ये जो ये लेयरिंग है या ये जो क्रेप है ये बहुत ही पतला और सेट होना चाहिए, ना कि चीले जैसा मोटा और नरम होना चाहिए। तो ये छोटा सा फ़र्क है कि हम इसको दाल का चीला नहीं बोल रहे हैं, हम इसको मल्टीग्रेन दाल का डोसा बोल रहे हैं। तो बस ये थी मेरी आज की एक छोटी सी नरेशन स्टोरी आपके साथ जो मैंने शेयर करी। तो आप भी बनाइए और बनाते जाइए। तो लीजिए दोस्तों, तो अब एकदम तैयार। एक बार कपड़े से मैंने इसको साफ़ कर लिया और बस अब तवे के हिसाब से आप बहुत बड़े डोसे ना बनाते हुए चपाती के साइज़ के ही डोसे बनाते चले जाएं। और देखिए फर्स्ट क्लास, और गैस फुल तेज, और आराम से देखिए रोल हो जाएगा बहुत प्यार से। और ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से इसको रोल करना है। और ये देखिए कितना शानदार और फर्स्ट क्लास बना ये, और एकदम क्रिस्प बनेगा। बस आपने इसकी हीट को, आँच को हल्का नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है। और जैसे ही ये थोड़ा सा हो जाता है हमने हल्का सा ऑयल देना है ऊपर से बस, और इसको ऑयल के साथ में सियर कर देना है। ये देखिए, और ये देखिए झटपट ही बन गया और कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। और ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास रोल हो रहा है ना, ये देखिए कितना मज़ेदार। अब मैं इसमें सब्ज़ी आप स्टफ़ करके भी दे सकते हैं, अलग से भी दे सकते हैं, पर मैं इसकी सब्ज़ी अलग से सर्व कर रहा हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखिए ये तो होगी मेरी चटनी, और ये मेरी होगी पनीर की स्टफ़िंग। आलू की जगह मैंने आज पनीर की स्टफ़िंग बनाई है, और साथ में मैंने थोड़ा सा ये पचरी बनाई है मटर के साथ में। और ये देखिए आवाज़ सुनिए आप, ये देखिए कितने शानदार बने हैं, ये देखिए आवाज़ सुनिए इसकी, ये देखिए कितने क्रिस्प बने हैं। तो आप भी बनाइए और खूब आनंद से इन डोसों का लुत्फ़ उठाइए। प्रोटीन का प्रोटीन, वैल्यू की वैल्यू, और स्वाद का स्वाद। तो बस मिलता हूँ कल नई टिप, नई रेसिपी, नई ट्रिक के साथ में। आज के लिए इतना ही, शेफ़ राजेश फ्रॉम देसी शेफ लिटिल किचन से मिलूंगा कल। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माय मोटिवेशन एंड बेल आइकन फॉर माय वीडियोस नोटिफिकेशन। तो तब तक आप स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें और मौज मनाएं। मिलूंगा कल, तब तक आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।